Hello and assalamu alaikum. Welcome to all our listeners on Nayi Subah Web Radio. This is your very own RJ Saqib Reza with all my Jeet Ka Josh team. Saqib Reza once again here. Aap sabke saath hum ye transmission lekar rozana hazir hote hain. T20 World Cup jari hai is waqt America aur West Indies mein janab bade kadakedar muqable ho rahe hain jahan par zahir hai bahut sari cheeze hain. Pitch ki bhi aajkal bahut zyada baat chal rahi hai. Low scoring matches bhi ho rahe hain aur कुछ टीम्स तो ऐसी हैं कि क्या कह लें कि बस उड़ाती जा रही है मुकाबले. जिस तरह कल खाता खोला इंडिया ने, अपना पहला मैच जीता T20 वर्ल्ड कप में. आज पाकिस्तान वर्सेस USA, हमारा जो इंतज़ार था वो ख़त्म हुआ क्योंकि हम ज़ाहिर सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को. आज पहला मैच खेलने जा रही है पाकिस्तानी टीम डेलिस में. बहुत मज़ा आने वाला है. आज शाम 7:30 बजे ये मैच होगा. बहुत मज़ा आएगा. सबकी नज़रें आज इस मैच पर होंगी. क्या पाकिस्तान अमेरिका से जीत पाएगा? क्योंकि जाहिर है काफ़ी लोगों की ये यानी सोच है कि पाकिस्तान इतनी आसानी से नहीं जीत पाएगा क्योंकि USA के पास भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं. तो देखना होगा क्या होता है. जनाब आप बताइए, लिसनर्स आपकी क्या तैयारियां हैं, आपकी क्या प्लेइंग 11 है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की कौन सी प्लेइंग 11 होनी चाहिए, ये सब आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं. हमारा नंबर है 0330860072 जिस पर आप हमें बता सकते हैं आपकी क्या तैयारियां हैं, पाकिस्तानी टीम को आप किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए. हमारे साथ तलहा इनाम मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम जनाब, किबला क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जनाब. माइक तो छोड़े, हम तो माइक छोड़ ही नहीं रहे, हम माइक छीन रहे हैं आपसे. हम मौका तो दें आप हमें. लिसनर्स क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीदें तमाम खैर से होंगे और एक बार फिर ट्रांसमिशन में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं. भाई मैं भी तो हूँ चप्पू. अगर तुम माइक ले लोगे तो क्या बाकी लोग नहीं कुछ करेंगे? चप्पू को भी तो बोलने दो अस्सलाम वालेकुम. चप्पू भाई वही तो मैं कह रहा था, साकिब माइक पकड़ के बस शुरू हो गया और ये जैसे देखता है टाइम हो गया उसके बाद फिर ये देखता ही नहीं कि कौन कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, बस शुरू हो जाता है. एक मिनट एक मिनट, माजरत के साथ ये हमारे गेस्ट है, चूजा नहीं है. चप्पू भाई आप कुछ तो ख्याल करें. ये भाई चूजे से भी, भाई चूजे से भी हम आपकी बात करवाते हैं, लेकिन लेकिन मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा. चप्पू भाई, चप्पू भाई आप चुड़िया घर साथ लेके क्यों आ जाते हैं? जोश में मुर्गे आ गए, चूजे आ गए, पता नहीं क्या क्या आ गया जनाब. भाई साकिब बहुत खुश हो रहे हैं चप्पू भाई की हरकतों से, यकीनन हमारे लिसनर्स भी खुश होते होंगे. मैं साकिब मैच के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि आज का दिन कम से कम पाकिस्तान का एक तो पहला मैच वर्ल्ड कप के अंदर स्टार्ट लेने का और दूसरा USA के साथ है. वाह चप्पू भाई, ये देखें चप्पू भाई की दवा जो है इन्होंने हिला के नहीं पी है. कोई बात नहीं चप्पू भाई, हम आपको पूरा पूरा जो है वो मेडिकल चेकअप प्रोवाइड करेंगे, लेकिन दो मिनट रुक जाएं. जी चप्पू भाई ठीक है, चले हम अपने गेस्ट से बात करवाते हैं. जनाब क्या नाम है आपका और आज यहाँ कैसे आ गए आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसान है, कोई चूजा वगैरह नहीं हूँ बस. मैंने वो प्यार से बोला था भाई, तुम दिल पे ले लो. नहीं प्यार से मतलब आप क्यूट लग रहे हैं चप्पू भाई. बहुत दिल और ले दूंगा आपको भाई, ये चप्पू भाई की मोहब्बत है, इन्होंने मुझे प्यार से बोला. मगर मेरा तो तारुफ कराना बनता है ना, फिर मैंने अपना तारुफ ही कराया. बाकी मैं एक बात कहूंगा भाई, आज मैच है पाकिस्तान वर्सेज अमेरिका का, ठीक है? ठीक है, दिलों को थाम के बैठे. आज जो करने वाला है ना बाबर आजम, फिर बस क्या करने वाला है. बाबर आजम से आपकी बात हुई भी है? कोई व्हाट्सएप वगैरह पे चैटिंग चल रही है बाबर आजम? आप यही समझ लें, यही समझ लें, जो उनके साथ अजहर महमूद है ना, उन्होंने उनको ऐसी चीज सिखा दी है, वो इंडिया को डरा रहे हैं यहीं से. क्या क्या सिखाया है ऐसा, क्या सिखाया है ऐसा? आपको तो पता ही होगा आप भाई. बाबर आजम और अजहर महमूद, मतलब ये क्या समझ नहीं आ रही मुझे कहानी. अजहर महमूद बॉलिंग कोच है, बाबर आजम बैट्समैन है, उसने क्या सिखा दिया होगा? बहरहाल जी जनाब, मैं तो खान कोच हूं. अरे चाचा चप्पू रुको जरा सबर करो. अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, क्या हाल चाल है आपके? हसन इकबाल, बहुत देर बाद मौका मिला है, मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा था लेकिन फाइनली मौका मिल गया. बताइए क्या हाल चाल है, कैसी तैयारी है? ऑस्ट्रेलिया और ओमान का मैच आपने देखा, इंजॉय किया होगा यकीन. ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम मिला है अपने पहले मैच में, ये इनके नेक्स्ट मैचेस के लिए मुश्किल का सामना इनको करवा सकता है क्योंकि रन रेट के ऊपर अगर बात गई तो ऑस्ट्रेलिया को बहुत कुछ सहना पड़ जाएगा. बहुत आए गई यादें मगर इस बार तुम्हें आना, इरादे फिर से जाने के नहीं लाना तुम्हें आना. क्या बात है तेरे
जाने का गम और नहाने का गम। वाह 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 जनाब अली, गाना आप लोगों ने एंजॉय किया, हमने सोचा कि हम भी साथ गा लें। चप्पू भाई के हमरा, एहसन इकबाल के हमरा और एहसन मसूद, तलहा इनाम, ये सब हमें इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं, साथ बैठे हुए हैं, तशरीफ फरमाए, समोसे इंजॉय कर रहे हैं, पकोड़े इंजॉय कर रहे हैं। वैसे तो कराची में जाहिर है इस वक्त जो गर्मी है इसमें तो सोडे शोडे पीने चाहिए। तो ये कि जनाब क्रिकेट का सीज़न चल रहा है, बड़े बड़े मुकाबले अब शुरू हो गए हैं, कल इंडिया ने खाता खोला, आज पाकिस्तान का खाता खुलने जा रहा है, वर्ल्ड कप में क्या से क्या होने जा रहा है। कूबकू फैल गई बात शनासाई की, चप्पू भाई तवज्जो, कूबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। वाह वाह क्या कहिएगा भाई, आपकी तशरीह लिसनर सुनना चाहते हैं। भाई इसमें कहना चाह रहा है, सुबह सुबह हलवा पूरी की दुकान खुली और दुकान लुट गई हलवाई की। ओह माय गॉड व्हाट अ लवली शॉट, क्या बात है भाई। चप्पू भाई, चप्पू भाई तो छा गए हैं भाई, चप्पू भाई के पास माइक जाता है तो कमाल कर देते हैं ये। एहसन इकबाल आज आपकी क्या तैयारियां हैं भाई, वर्ल्ड कप पे तो बात चल रही है लेकिन मैं चाहता हूं कि साथ साथ हम अशार की सूरत में और बाकी मौसीकी की सूरत में भी खेलते रहें। भाई वो इसी गजल का एक शेर है जो पाकिस्तान और पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी टीम के रिलेशनशिप को जाहिर करता है। अच्छा। कि वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, हमारा यही हाल होता है, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात थी अच्छी मेरे हर जाई की। चलिए बता नहीं ये वो लोटा कौन सा था जो वॉशरूम में तो नहीं होता? लोटा नहीं लौटा यार, लोटा नहीं लौटा, लोटे भी होते हैं ना जैसे हमारे एहसन इकबाल लोटे हैं। सेंसर लगा दो यहाँ पे, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, हमारे एहसन इकबाल, हम आगे चलते हैं इससे पहले के बात बात बहुत दूर तक बहुत चली जाए, दूर तक चली जाए। तो जनाब अच्छा जी यार, मेरा दिल कर रहा है मैं ऑस्ट्रेलिया और ओमान के मैच से बात करूं। मेहरान खान ने क्या बेहतरीन स्पेल किया है, 38 रन दिए, 2 विकेट हासिल किए ऑस्ट्रेलिया की, और ऑस्ट्रेलिया की टीम में सिवाय डेविड वार्नर और माइक स्टोइनिस के कोई और चल ना सका। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को 5 विकेटों के नुकसान पर 164 रन पर ओमान ने रोक लिया, और उसके बाद फिर ओमान की जब बैटिंग आई तो अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देख के मुझे लग रहा था कि शायद ना पिच बहुत मुश्किल है जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही, क्योंकि पिच ना हो जाए। हाँ आजकल पिच बहुत चल रहा है, लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, इस पर भी मैं चाहूंगा ऐसा बात करें, क्योंकि जाहिर है हम देखते हैं कि आजकल जितना फास्ट पेस दौर है, जिस तरह क्रिकेट में भाई 200 से ऊपर रन जाते हैं T20 में, लेकिन अभी तक हमने देखा है कि भाई 160 170 200 तक कोई टीम, मैं जहाँ तक गलत मतलब मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 200 तक कोई टीम नहीं गई। जी पहला मैच जो था वही सबसे हाई स्कोरिंग था अभी तक, लेकिन मसला ये कि ये T20 वर्ल्ड कप जो इंटरनेशनल इवेंट होता है उसका नेचर यही होता है, क्योंकि अगर हम लीग्स की बात करें तो लीग्स में बिल्कुल ऐसा होता है कि 265 मतलब करीब था कि 300 स्कोर हो जाता आईपीएल में हम देख रहे थे। अच्छा कल यही बात हो रही थी कि आईपीएल की फ्लैट पिचेस से उठ के ये बैट्समैन आ रहे हैं, पता नहीं परफॉर्म कर पाएंगे यूएसए के पिचेस पे या नहीं, लेकिन रोहित शर्मा ने बता दिया कि भाई हम ऐसे वैसे नहीं है। हाँ और रोहित शर्मा ने 50 स्कोर की, ऑल दो मतलब मुझे समझ नहीं आई कि 97 का स्कोर है और उसमें भी आपका एक प्लेयर सारी 50 करके जा रहा है वो भी कैप्टन, तो चलो चलता है भाई चलता है, अपने कैप्टन को प्रमोट करना चाहिए। भाई इस गरीब बच्चे से भी कुछ पूछ लो यार, बेचारा गरीब कब से चुप बैठा हुआ है यार। चप्पू भाई आपने इससे पैसे लिए हैं कोई या आप उसकी प्रमोशन करते रहते हैं? गरीब नहीं हूं भाई, हेलो मैं बहुत अमीर हूं, पैसा बहुत है यार, तुम भूलने लगता है। मैं भूल नहीं गया, आप मुझे कुछ पैसे देंगे तो मुझे याद आ जाएगा और क्या। भाई इस हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अमेरिका में वर्ल्ड कप रखने की बात ही क्या थी, इनको क्या आईसीसी को साउथ अफ्रीका नजर नहीं आ रहा भाई, इंग्लैंड में नहीं रखवा सकते, न्यूजीलैंड में नहीं रखवा सकते, किस हकीम ने इनको मशवरा दिया कि ये अमेरिका ले जाए क्रिकेट, और वहाँ ले जाए तो इतनी बोरिंग क्रिकेट, ऐसी पिच। ओ भाई ये क्या, ये तो मैंने टेस्ट मैच में भी नहीं देखी, हकीम क्या नहीं चप्पू भाई, मैंने तो ऐसी तो टेस्ट मैच में भी पिच नहीं देखी, ये कोई पिच है, क्रिकेट को स्पिनर की स्पिन हो रही है तो फास्टर की स्विंग हो रही है, छोटे बच्चे अच्छा आप कुछ बोल रहे हैं, क्रिकेट को हजम थोड़ी करना था जो हकीम का मशवरा चाहिए था, ये मशवरा तो क्रिकेट एक्सपर्ट्स देते हैं, और मेरे ख्याल से यूएसए डिजर्व करता था जिस तरह पिछले 12 महीने से यूएसए की परफॉर्मेंस थी, तो यूएसए में वर्ल्ड कप होना कोई वो नहीं है, और खाली यूएसए में वर्ल्ड कप नहीं हो रहा, वेस्ट इंडीज में भी वर्ल्ड कप हो रहा है, और ऑल दो पाकिस्तान की सिचुएशन आप लोगों के सामने, लेकिन पाकिस्तान में भी चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही थी, तो
ये मसला नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं स्पॉन्सर्स से लेकर आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी तक। और जिस तरह यूएसए में क्रिकेट के ऊपर काम जितनी रैपिडली हो रहा है, फुटबॉल स्टेडियम्स, हॉकी स्टेडियम्स को जो है वो क्रिकेट के स्टेडियम्स में बदला जा रहा है, तो मेरे ख्याल से क्रिकेट की प्रमोशन के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि वहाँ पर वर्ल्ड लेवल का कोई टूर्नामेंट हो, जो कि हुआ। और ऐसी बात नहीं है, मैं समझता हूँ कि हर प्लेयर के साथ इंसाफ हो रहा है, उसके स्किल के साथ इंसाफ हो रहा है एटलीस्ट। क्योंकि अगर हम आयरलैंड और इंडिया की जो मैच हुआ है उसमें पिच की बात करें तो एक्स्ट्रा बाउंस भी मिला है वहाँ पे, और पेसर्स को बहुत हेल्प मिली है, स्पिनर्स को भी हेल्प मिली है। सेम गोज विद जो हम गयाना के पिचेस देखें या इस तरह की पिचेस देखें वेस्ट इंडीज़ की साइड पे, तो वहाँ पे भी स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है, बैट्समैन को भी हेल्प मिल रही है, जो बैट्समैन टिक के खेल रहा है। एक तो हमारी क्रिकेट टीम को कोई अलग से किसी ने कोई दम दरूद कर दिया कि आपने स्ट्राइक रेट पे काम करना है, मतलब कोई ज़रूरत नहीं आपको 50 स्कोर करने की, आप जो है वो 10 गेंदों में 30 रन बनाएं और चले जाएं। पता नहीं ये कौन सी साइकी हम डेवलप करना चाह रहे हैं या क्या हो रहा है। मार्क स्टोइनिस को देखें, 36 बॉल्स पे आपने जो है वो 50 स्कोर किए, डेविड वार्नर जैसे प्लेयर ने। और मैं समझता हूँ अगर ये पाकिस्तान का कोई बाबर आजम होता तो इस वक्त इतनी लान तान हो रही होती उस पर कि ये क्या कर दिया आपने, ज़रूरी थी ऐसे 50 स्कोर करना, इससे बेहतर आप 5 रन पे आउट हो जाते। नहीं, आप अपने जवाब थोड़ा होल्ड कीजिए, हमारे साथ हमारे कल के एक्सपर्ट मौजूद हैं। और जी, कल हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद थे और वो कह रहे थे कि कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान और यूएसए के मैच में, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएसए पाकिस्तान को अपसेट करेगा। सो हमारे साथ मौजूद हैं ओनली ऑन घोस्ट हमजा। अस्सलाम वालेकुम हमजा। जी वालेकुम अस्सलाम हसन भाई, और अस्सलाम वालेकुम आप सबको, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बिल्कुल मैंने कहा था और मुझे भी लेकिन अब इसकी जो है वो इम्कान इसीलिए मुझे कम लगी क्योंकि कल मैंने एक और थी कि शायद इंडिया को जो है वो आयरलैंड हरा देगा, लेकिन जो इंडिया जीत सके पाकिस्तान क्यों नहीं जीत सकता, अब मुझे लगता है पाकिस्तान मैच जीत चाहिए। अच्छा हमजा, ऑस्ट्रेलिया और ओमान का मैच आपने देखा? बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया और ओमान का मैच मैंने देखा और मैं ओमान को बहुत अप्रिशिएट करूंगा, यहाँ पे बहुत उमदा उन्होंने क्रिकेट खेली। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जब ऑस्ट्रेलिया को जो है वो 164 था अगर मैं गलत नहीं स्कोर, जी बिल्कुल, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ओमान इतनी अच्छी क्रिकेट खेलेगा, लेकिन ओमान बहुत उमदा क्रिकेट खेली। और बस यही बात है, अगर टीम में थोड़ी सी और मेहनत करें तो ये मेरे ख्याल से शायद डार्क हॉर्स बन सकती है। बिल्कुल जी, ऑस्ट्रेलिया और ओमान की अगर हम बात करें तो उसमें अगर मार्क स्टोइनिस की इनिंग्स को निकाल दिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया के तो हाथों के तोते उड़े हुए थे। तोते बिल्कुल उड़े हुए थे, और अगर आप नोट करें तो आखिर में जो है वो ओमान थोड़ा सा गिरी, वरना ओमान ने भी अच्छा खासा फाइट बैक किया। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ ओमान से, खासतौर पे वो नामीबिया और ओमान के मैच के बाद तो बिल्कुल मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन आज उन्होंने बहुत बेहतरीन फाइट बैक किया। बिल्कुल जी, ऑस्ट्रेलिया जैसी बॉलिंग अटैक, वर्ल्ड लेवल का बॉलिंग अटैक है ऑस्ट्रेलिया का, और वो ओमान को ऑल आउट नहीं कर पाए, ये बहुत बोनस पॉइंट ओमान अपने साथ लेके गया है। हमारे साथ साकिब कुछ कहना चाह रहे हैं आपके लिए शायद। जी हमजा अस्सलाम वालेकुम, पहले तो ये कि आपने जिस तरह कल कहा था कि पाकिस्तान आराम से मतलब नहीं जीत पाएगा यूएसए से, बहुत टफ टाइम देगा यूएसए, तो मैं अभी दोबारा पूछना चाहूंगा, क्या आपको वाकई लग रहा है कि जिस तरह इंडिया से भी आपने कहा कि मैंने उम्मीदें लगाई थी कि मतलब आयरलैंड इंडिया को हरा देगा, तो आज आपको क्या लग रहा है यूएसए से पाकिस्तान आराम से जीत जाएगा या मुश्किल से जीतेगा या बिल्कुल जीतेगा ही नहीं? और ये फैक्टर ध्यान में रखना है कि इमाद वसीम हमारे पास मौजूद नहीं है। बिल्कुल, इमाद वसीम मौजूद नहीं है तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल में आके जाएगा, क्योंकि उस दिन अगर आप नोट करें यूएसए और कनाडा के मैच में तो इनके प्लेयर हैं वो कैरेबियन से ही आए हैं, तो उन्होंने 10 छक्के मार के क्रिस गेल का रिकॉर्ड बराबर किया है। बिल्कुल जी, मुझे तो कोरी जोन्स, मुझे कोरी एंडरसन से भी डर लग रहा है यूएसए के। बिल्कुल ऐसी है, कोरी एंडरसन तो जाहिर है काफी मशहूर, अली खान भी 150 प्लस जा रहे हैं बॉलिंग में, पाकिस्तानी निजात है वो भी, यानी एरन जोन से आज हमें डर रहेगा। एरन जोन से भी डर लगेगा, और जो मेरे ख्याल से बेहतरीन जो उनके जो अली खान है वो भी बेहतरीन बॉलर, और मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तान का जीतना, लेकिन पाकिस्तान की बेस्ट प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं तो अच्छा वैसे इमाद वसीम को टीम में होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान की जो टीम है जो मेडिकल को देखती है वो ये कह रहे हैं कि प्रिकॉशन के तौर पर नहीं खिलाया, लेकिन जो अंदर की खबरें आ रही है मतलब जो सहाफी रिपोर्ट कर रहे हैं शायद आशमी वगैरह, तो वो ये कह रहे हैं कि शायद इमाद वसीम की इंजरी जो है वो ज्यादा
سخت ہے اور وہ شاید انڈیا والا میچ نہ کھیل سکیں. مجھے لگتا ہے کہ میری اپنی رائے ہے کہ اعظم خان کو اگر آپ نے کھلانا ہے تو اس سے اچھا پھر آپ سائیں ایوب کو ایک اور چانس دے دیں, کیونکہ اعظم خان کی فٹنس کا لیول تو بہت ہی گرا ہوا ہے میرے خیال سے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا. لیکن اعظم خان بھی تو آج کل بالکل فارم میں نہیں چل رہے, وہ سوری سائیں ایوب بھی تو آج کل فارم میں نہیں چل رہے. مجھے لگ رہا ہے پریشر کافی لے لیا ہے سائیں ایوب نے. اچھا حمزہ, آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ہم سائیں ایوب کو اوپنر لے کر آتے تو ہمارا بیٹنگ آرڈر پورا ڈسٹرب ہوتا ہے جب ہم محمد رضوان یا بابر اعظم کے ساتھ اوپننگ اسٹینڈ پہ جائیں؟ میرے خیال سے سائیں ایوب کو جو ہے ایز اے فنیشر ہم استعمال کرنا چاہیں تو, یا ایز ہاں, کیونکہ وہ ظاہر ہے آخری اوور میں جو ڈیتھ اوور جو ہوتے ہیں اس میں ہٹنگ کرنی ہوتی ہے ہم سب, یہ ان کو پاکستان کو یا دوسری ٹیمس کو, تو وہاں پہ اگر ان کو یوز کیا جائے تو میرے خیال سے بہت ہی بہترین طریقے سے, کیونکہ جو اسٹارٹ ہوتا ہے آپ کا پاور پلے ہوتا ہے, لیکن وہ بالر ظاہر ہے فریش ہوتا ہے, نئی بال ہوتی ہے اور ظاہر ہے پچ بھی نیا ہوتا ہے تو اس پہ بال باؤنس وغیرہ. اگر آپ کل کا میچ بھی دیکھیں تو کل روہت شرما کو جو ہے وہ بال لگا جس وجہ سے ان کو جانا پڑ گیا باہر, تو پچ بھی جو ہے بہت ہی انیون ہے یو ایس اے کا, بالکل انیون پچ ہے. بابر اعظم اور رضوان کی اوپننگ کو کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا ان کی اوپننگ ہونی چاہیے یا فخر زمان ایک ہونا چاہیے ان کے ساتھ, ان میں سے دونوں میں سے؟ بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ فخر اور رضوان کو اوپن کرنا چاہیے, لیکن جوزن انگلینڈ کے خلاف بابر نے اپنی کلاس شو کی نا جوزے ٹی ٹوینٹی میچ میں, کیونکہ بابر اعظم جلدی آؤٹ ہو گئے لیکن جنہوں نے اپنی کلاس دکھائی نا, تو میرے خیال سے بابر اور رضوان کو بھی اوپن کرنا چاہیے. اور یہاں پہ ایک بات میں کروں گا کہ ایک ہمارے سو کالڈ جرنلسٹ ہیں, اچھا میں تھوڑی سی یہاں پہ تنقید کروں گا, کرکٹ تین چار میچ کھیل کر آتے ہیں اور ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے پھر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ بس اسی سب بات کروں میں کہ تین چھکے لگائیں گے اور یوٹیوب, تو میرے خیال سے بابر اعظم کو یہ قصہ ہی ختم کرنا چاہیے اور انڈیا کے خلاف بمراہ کو تین چھکے لگائیں اور ان کا تو یوٹیوب بند کروائیں نا آپ پہلے, باقی بعد میں ہماری ان سے جان چھوٹے گا بس کا. اوکے جناب, بہت شکریہ حمزہ, بہت شکریہ. ابھی ہم نے ٹرانسمیشن کو آگے بھی بڑھانا ہے, آپ ہمارے ساتھ آئے, ٹرانسمیشن کا حصہ بنے, تو کال کے ذریعے آپ نے ہمیں جوائن کیا آج, بہت شکریہ جناب, بڑی نوازش, آتے رہیے گا. چپو بھائی محلے وچ کوچ نہ کریں یار, کیا بہترین بات ہے, دل خوش ہو گیا آج جیت کے جوش میں. اچھا جی, بات ہو رہی تھی حمزہ سے, جو کر اپنی ایکسپیکٹیشنز کو لے کر تھوڑا سا ڈاؤن ہو گئے. یار یہ تھینک یو آپ نے میرے کو بولا, کس کو بولا یہ؟ یار تھینک یو آپ کو بھی بولا ہے, لیکن آپ کو مزہ آیا چپو بھائی؟ اچھا میرے کو ابھی چائے روٹی کھانے دو, ابھی آپ لوگ بات کرو, چائے آ گئی ہے تو چائے روٹی کھاؤں گا, پیٹ پوجا کروں گا نا یار. چپو بھائی آپ کو تو یار کے ایف سی میک ڈونلڈ ایسے ہی کھاتے ہیں, چٹنی روٹی چائے یہ یہی کھاتے ہیں کھانے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں کوئی وہ کون سا ایف سی کون سا ہے؟ ایف سی ایف سی ہاں, وہ برانڈ پروموشن نہیں کرنی نا ہم نے, ہاں اس لیے ایف سی تھوڑی کھا رہا ہوں میں. اس کا بائیک آؤٹ کیا ہے آپ نے؟ یار چپو بھائی آپ کا جو بنتا ہے نا یار. اچھا یہ بتائیں حمزہ کی باتیں آپ کو کیسی لگی؟ مجھے حمزہ کی باتیں چھوٹی اور بڑی جیسے لگی, چھوٹی ہے اور بڑی ہے جیسی حمزہ کی باتیں لگی, یعنی کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے, سمتھنگ لائک دیٹ. جی مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کھیلے گا تو وہ ہوگا تو یہ ہوگا, بھائی کرکٹ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے؟ گرگٹ ہو رہا ہے, آپ کہہ رہے تھے نا گرگٹ, میں گرگٹ مجھے پسند ہے, گرگٹ پسند کروں گا, ہر رنگ میں کھیلوں گا. کیا بات چوزے بھائی کو آپ کے برابر میں بٹھا دیا بےچارا, ویسے ہی ڈرے جا رہے ہیں. آج یہ بتاؤ, آج امریکہ کا اور کس کا پاکستان کا میچ, کینیڈا کینیڈا کا, تو انڈیا جیت سکتا ہے اس میں؟ انڈیا جیت سکتا ہے. میں پوچھ رہا ہوں, سوال ہے بھائی, معصومانہ سوال ہے میرا, امریکہ اور پاکستان کے میچ میں انڈیا جیت سکتا ہے؟ آئرلینڈ اور انڈیا کے میچ میں پاکستان جیت گیا کیا؟ ہاں پاکستان جیت گیا, مل کے پاکستان ہار گیا. استاد کون ہے یہ؟ مجھے ہی الٹے باتیں بول دیے, کون ہے یہ؟ کہاں سے لے کے آئے اس کو بھائی؟ کب آئے کہاں سے؟ یہ کراچی میں رہتے رہتے, اصل میں کراچی میں رہتا ہے نا, تو آپ ساتھ بیٹھے تو کنڈا ڈل گیا اس کا, وائی فائی کا کنیکشن مل گیا ہمارا. اچھا جی, احسن مسعود, عماد وسیم نہیں ہے, شاداب خان پرفارم نہیں کر رہے, واٹ اباؤٹ ابرار احمد اگر انہیں کھلایا جائے تو؟ اچھا گائے گا, بھائی میں یہ بولوں گا کہ چار فاسٹ بالر کے ساتھ اترے, چار فاسٹ بالر کے ساتھ اترے, آپ مکمل کر لیں بات پہلے, لے لے بھائی, اللہ تعالیٰ پورا کرے, پہلے تو بول, اب آپ بولے, آپ کو بول لیں, آپ دونوں رہنے دو, ثاقب آپ بولے یار. جناب بالکل آپ نے جس طرح کہا کہ ابرار احمد کو ہونا چاہیے, میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ ابرار احمد بہت اچھا اسپنر ہے, پہلے دن سے کوئی نام نہیں لیا اس نے ابرار احمد, نہیں نہیں بہت
नहीं, बहुत अच्छा स्पिनर है, जरूर जरूर होना चाहिए अबरार अहमद को। इमाद वसीम की अगर मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लगती है रिप्लेसमेंट, तो अबरार अहमद हो सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है शादाब खान बहुत ही कह लें कि घटिया परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मैं सीधा बोलूंगा। पथेटिक परफॉर्मेंस, अगर मजीद अगर मोहताद होके बोले तो पथेटिक परफॉर्मेंस है, फिर इसको अंग्रेजी नहीं आती, पथेटिक होता है यार। तो जनाब भाई विटामिन डी की गोलियां खाया करो, अंग्रेजी ठीक हो जाएगी। तो कमाल की गोलियों ने कमाल कर दिया हकीम चप्पू के दिलचस्प मशवरे। हाँ जी, तो धूप में खड़ो के मत खाना, जल जाओगे, धूप से भी विटामिन डी मिलता है। अच्छा चलो, प्लेइंग 11 बता रहा था यार, डी हो जाएगा। हाँ जी, तो अबरार अहमद का होना बहुत ज़रूरी है आज के मैच में। चार फास्ट बॉलर होने चाहिए, जिस तरह एहसन मसूद भाई भी हमें बोल रहे थे, और तीन, हाँ अगर दो तीन स्पिनर, दो यानी आपके प्रॉपर स्पिनर होने चाहिए, बाकी आपके पास जैसे इफ्तिखार अहमद भी हायर से मेमो स्पिनर के किससे, वो कौन सी और कंपनी कौन सी होती है वॉशिंग मशीन की, सारी सारी होती, किरण हायर होती, मिट्सुबिशी, मिस्तुबिशी, और क्या कहते हैं, किरण, किरण नहीं नहीं यार, वो जो पाकिस्तानी ब्रांड है ना यार। अच्छा, हमारे साथ स्पिनर मांग रहे हैं ना, स्पिनर जिसमें कपड़े सूखते हैं वही है स्पिनर। तो जनाब ये के मेरे को भाई भाई चप्पू भाई, क्या बात है चप्पू भाई, आप जरा आपने मैं इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ और आप मुझे इग्नोर मार रहे हो। मैंने अगर आपको इग्नोर मार दिया तो अपनी नौकरी चली जाएगी, अपना स्टैंडर्ड है ना यार, हम तो आपको इग्नोर मारेंगे ना। चप्पू भाई तो बस पैसा ही है, पैसे पे ही गरूर है और तो कुछ भी नहीं है। तो हमारे साथ तला इनाम भी मौजूद हैं और एहसन इकबाल भी हैं। तो एहसन क्या करना चाहिए पहले, अगर पाकिस्तान अक्सर ज्यादा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं, तो पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है तो पहले क्या करना चाहिए, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? यार मेरे ख्याल से मैंने देखा है कि पाकिस्तान ना सब पाकिस्तान की सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान अनप्रेडिक्टेबल टीम है, कुछ भी कर सकती है और कुछ भी नहीं कर सकती, दोनों चीज़ें चलती हैं। तो अगर पाकिस्तान चार फास्ट बॉलर्स के साथ जाता है तो अब्बास अफरीदी का इंडक्शन होना चाहिए, क्योंकि अब्बास अफरीदी बैटिंग भी कर लेते हैं और फिर अबरार अहमद को फिर आज मौका नहीं मिलेगा, तो इंडिया के खिलाफ हमें बहुत मुश्किल होगी। अगर हम इंडिया के खिलाफ स्पिनर्स को उतारते हैं तो इंडिया के अगर हम बॉलर्स की भी बात करें तो वो भी स्पिनर्स को छक्के मार लेते हैं, तो हमें फिर ये देखना पड़ेगा कि हम किस तरह जा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेट हमें जो तैयारी करनी है वो इंडिया के मैच ही करनी है। पाकिस्तान को सबसे पहले अपना गोल रखना चाहिए कि उन्हें सुपर 8 खेलना है, उसके बाद हम बाकी आगे सेमीफाइनल और फाइनल तक इंशाल्लाह जाएंगे। बाबर आजम ने पीसीबी पॉडकास्ट में कहा था कि उन्होंने अपने दो वर्ल्ड कप खेले, एक में वो फाइनल तक गए, एक में सेमीफाइनल तक गए, ये तीसरा उनका वर्ल्ड कप है जिसमें वो कैप्टनसी कर रहे हैं, तो उनकी कोशिश वो जो एक वाला ग्रुप होता है उस तक पहुंचेंगे बस। जी जी, ये रिवर्स आ रही ना, फाइनल से सेमीफाइनल, सेमीफाइनल से अभी नहीं नहीं पहले सेमीफाइनल खेला था, उसके बाद फाइनल खेला, हम उल्टा जाएंगे इंशाल्लाह और हम फाइनल की ट्रॉफी लेकर आएंगे। और अगर हम फाइनल की ट्रॉफी लेकर आए तो चप्पू भाई को एयरपोर्ट लेके जाएंगे, पाकिस्तानी टीम का इस्तकबाल करेंगे। अच्छा ठीक है, हो गया, दस दस मैं भी जाऊंगा, वाह वाह वाह, मैं भी चलूंगा और ऊपर जाके 70 मिलेंगी। अरे फिर मैं ऊपर जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा पर भाई, अभी मैंने देखा ही किया है। अच्छा, हमारे साथ अक्षर ज्यादा मौजूद हैं और अक्षर ज्यादा से हम पूछते हैं कि वैसे तो नहीं क्रिकेट पसंद नहीं है लेकिन पाकिस्तान और यूएसए में से कौन जीतेगा, ये किसके लिए दुआ कर रही है, हम ये पूछ लेते हैं। माइक तो आप लोग दे दे, माइक तो देते नहीं है, बस आप लोग नाराज करके भिजवा देते हैं। नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करते हम, आपको गलत फहमी हुई है यार, चप्पू भाई ने ना टीम को पैसे वैसे दिए, पाकिस्तानी टीम ही जीतेगी पूरी पूरी। हाँ, यूएसए को पैसे वैसे खिला दिए भाई, तुम नहीं खेलना जी। अरे असल में ये अमेरिका खरीदने गए थे, बोला अमेरिका है इतना बड़ा, किसको खरीदूं। एक बात है, मुझे आप लोगों ने बुलाया, मैं चप्पू भाई आज पहली बार चप्पू भाई से मिल रही हूँ लाइव, तो ये बहुत पैसा पैसा कर रहे होते हैं, जब भाई मुझे सिंगर बनना है तो आप इसे मेरी क्या मदद कर सकते हैं? सिंगर मशीन खरीदूंगा सीधा सीधा। सिंगर मशीन, सिंगर मशीन, सिंगर मशीन, वो ऑटो ट्यून वाले माइक तो नहीं खरीद के देंगे? नहीं, सिंगर की सिलाई मशीन, बैठ के गाने गाती रहे और सिलाई करती रहे। हाँ, चप्पू भाई को पैसा बना के दें, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हाँ ना
भाई सिंगर 100 रुपए के 10 रुपए। सिंगर एक कंपनी है, सिंगर कंपनी की वॉशिंग मशीन भी अच्छा, आती है, सिलाई मशीन भी आती है, जूसर मशीन अच्छा, भी चपु आती चपु है। चपु भाई अगर भाई घरदारी नहीं करनी है, सिंगिंग करनी है। बेटे आपकी उम्र ना घरदारी की हो चुकी है बस, टाइम निकाल के चप्पू भाई डायरेक्ट हो रहे हैं। अच्छा अच्छा आपको गाना सुना रहे हैं चप्पू भाई को, हम राम करें जरा। गाना तो नहीं, एक नेशनल सॉन्ग है, जाहिर सी बात है क्रिकेट की बात हो रही है और पाकिस्तानी टीम है तो उनके लिए क्यों ना एक। क्या बात है भाई, चलो स्टार्ट ले लो फिर, मजा आ जाए। ओके तुम सुरखरू होगे तुम जो करो हौसला, जीतोगे तुम सदा है ये अपनी दुआ। तुम सुरखरु होगे तुम जो करो हौसला, जीतोगे तुम सदा है ये अपनी दुआ। पर तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। कामयाब रहो हर कदम, कौम की इज्जत हो तुम। कामयाब रहो हर कदम, कौम की इज्जत हो तुम। पर तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। तेरी मेहनत भी ऐसा रंग लाएगी, तेरी हिम्मत चट्टानों से टकराएगी, तेरी मेहनत भी ऐसा रंग लाएगी, तेरी हिम्मत चट्टानों से टकराएगी। अगर तू साबित कदम होगा उनकी तरह, जो के गाजी बने जीते सब बाजिया। कामयाब रहो हर कदम, कौम की इज्जत हो तुम। कामयाब रहो हर कदम, कौम की इज्जत हो तुम। पर तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। थैंक यू, वेल डन भाई, क्लास हो गई आज तो, मजा आ गया। अक्षय दादा थैंक यू सो मच फॉर दिस। इतना हाई जाती हो यार, क्या बात है, क्या खाती हो? मैं आज चप्पू भाई को देख के ना, ये भुने में कौवे खाती है भाई। इन्होंने पूरी पूरी कोशिश की मेरा गाना खराब करने के लिए, मैंने कहा नहीं आज तो कुछ भी हो जाए मेरा गाना खराब नहीं करना। ये पता नहीं, हेलो एक्सक्यूज मी, ये परसों जो आपने गाना गाया था मैं नहीं था, उस वक्त खराबी की हुई थी, मैंने आज ठीक करवाया गाना। कोई नहीं चप्पू भाई, आपने तो पैसे ही नहीं दिया, आपने कहा सिंगर मशीन खरीद के दे रहे हैं, मतलब क्या बात होती है। जब मैंने जो इतना पैसे लुटाए, ये सारे नीचे गड्डियां पड़ी हुई है, क्या करूं उसका। अरे ये चप्पू भाई ने जो गाने में बीच में हमें तुमसे प्यार है, आम का अचार है, पता नहीं क्या क्या ये कर रहे थे, ये किसको उठा, आप लोगों ने शो में किसको बिठा लिया, पता नहीं, हम बाहर बैठे होते, हम ले आते चप्पू। चले अक्सा, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत मजा आया। साकेब, हाँ जी जनाब, मेरे पास जब माइक आता है तो मैं सोचता हूँ गाना एंजॉय करूँ। तो क्या ख्याल है, गाना एंजॉय करें? अक्सा दादा की आवाज में तो हमने गाना एंजॉय कर लिया, एक और गाना हमने आपके लिए लाइन अप किया हुआ है, वो भी सुनते हैं, उसके फिर जब उस गाने को सुनने के बाद लौट आएंगे तो फिर दोबारा हम क्रिकेट को डिस्कस करेंगे, यानी क्या होने जा रहा है, फाइनल वर्जन सब खेलेंगे। यार साकिब भाई, एक मैं थोड़ी सी फरमाइश करना चाह रहा हूँ, देखो बात सुनो, गर्मी चल रही है सबको ना, सोडा पिलाऊं? नहीं नहीं, बात तो सुन लो यार, सोडा तो मैं पिलाऊंगा भाई, मैं वादियाँ खरीदना चाह रहा हूँ। अच्छा, हाँ तो आपने एसियाँ तो लगवाई नहीं, ये सारे एसी चल रहे हैं, वादी हुसैन खरीदने? अरे नहीं नहीं, वो तो भाई आराम गाए ना, ये मैं ना वादियाँ खरीदनी चाह रहा हूँ कश्मीर की, तो उसी से रिलेटेड मैंने एक गाना मैंने बनवाया था हजी का कयानी से। अच्छा, मंदी मोच विच, तो वो चलवा रही हूँ मैं। अब हम गर्मी में ना ठंडी ठंडी फील करेंगे, बड़े बड़े पहाड़, ये मेरा भाई, ये बड़े बड़े बादल, ये मेरे बारिश, ये बर्फबारी, ये लंबे लंबे दरख्त, ये। यार अस्सलाम वालेकुम, सॉरी मैं तो कहाँ पे टांगी मेरी, यार ये कितना अच्छा गाना था ना, आप लोगों ने सुना? अरे हाय, बहुत मजा आया यार, आपकी जो सिलेक्शन है चप्पू भाई कमाल है यार,
चप्पू भाई आपसे सुनवाया करेंगे ऊंचे ऊंचे पर्वत सोनिया वादियां, मतलब क्या क्या है ये वादियों की जो मंजर कशी देखा नहीं अभी तक, बताओ ना यार। चप्पू भाई बड़ा पैसा है आपके पास यार, क्यों नहीं घुमाने क्यों नहीं चल रहे आप हमें कश्मीर की वादियां? घुमाऊंगा मैं भी। अच्छा चलो भाई घूमो। तो जनाब घुमाने के लिए हमें आ गए हैं तलहा इनाम साहब, शायरी के जरिए घुमाएंगे। आइए टाइम नहीं है, डायरेक्टर साहब आ जाएंगे, चुपचाप अभी निकल लो। नहीं 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 तलहा इनाम साहब से शायरी सुने बगैर तो हम अच्छा, एक मिनट मैं फिर वही बोलूंगा, या तो उसको तलहा इनाम साहब बोलो या जनाब बोलो, उल्टी आती भाई। अल्लाह अकबर जनाब तला इनाम साहब। चप्पू भाई आप चरवाए उल्टी आ रही है, कभी कुछ और आ रहा होता है आपको, तो चेकअप करवाए, थोड़ा सा मसला बढ़ता जा रहा है बेटे। आप आगे आ जाओ नहीं तो तार बढ़ती जाएगी, माइक निकल जाएगा आपके पास से, ये मैं बता दूं आपको। चले जी अता हो इरशाद, इरशाद माहौल माइक तो पकड़े, कैसे अता हो अर्ज किया है जनाब तला इनाम साहब। अब होगी तलहा की शायरी और हमारी होगी आवाज़ारी। अरे सफर करेंगे, वो जरा माहौल बना रहा था ना, फील कर रहा था, फील कर रहा था कश्मीर। अब मैं जरा शुरू करने दें, मुझे शुरू करने दें यार, वो सख्त शायरी का अपने आप शुरू होने दें। मुझे अपने जब्त पे नाज था, गलत हो सकता है सही हो सकता है, मुझे अपने जब्त पे नाज था, सर बज़्म रात ये क्या हुआ। मुझे अपने जब्त पे नाज था, सर बज़्म रात ये क्या हुआ, मेरी आंख कैसे छलक गई, मुझे रंज है ये बुरा हुआ। मोहसिन नकवी तो वाह क्या शायर है। मुझे जो भी दुश्मन जा मिला, वो ही पुख्ता कारे जफा मिला, न किसी की जर्ब गलत पड़ी, न किसी का तीर खता हुआ। ये शेर क्या हो तुम मेरी छांव शेर है, और इसका जो आखिरी शेर है ना वो मुझे आप क्यों ना समझ सके। चप्पू भाई मुझे आप क्यों ना समझ सके, ये खुद आप अपने दिल से पूछिए। मेरी दास्तान हयात का तो वर्क है खुला हुआ। चप्पू भाई उर्दू की क्लास नहीं है ये, सुने 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 ये बंगाली नहीं। चप्पू भाई ये शेर सुने, ये आपके लिए। मुझे एक गली में पड़ा हुआ किसी बदनसीब का खत मिला, मुझे एक गली में पड़ा हुआ किसी बदनसीब का खत मिला, कहीं खून दिल से लिखा हुआ, कहीं आंसुओं से मिटा हुआ। वाह चप्पू भाई को होल्ड करें। क्या कैफियत है। मुझे हम सफर भी मिला कोई तो शिकस्त हाल मेरी तरह। जी हाँ जी एहसन मसूद को समझ में आया है काफी। कई मंजिलों का थका हुआ, कई रास्तों का लूटा हुआ। बहुत थका हुआ था चप्पू भाई की तरह। चप्पू भाई बस मेरी शायरी इतनी हुई, क्योंकि आप मजीद मुझे शायरी नहीं करने दे रही। हमारे डायरेक्टर को शायरी पसंद है, जनाब क्या माहौल बनाया था तला इनाम साहब ने यार, बहुत मजा आया। और उर्दू अदब में जो मजा है ना, मैं समझता हूँ वो कहीं और मजा नहीं है। चाहे आप चप्पू भाई अंग्रेजी हमारी ठीक करवाते रहें, मजा नहीं आता, बस उर्दू आप हमारी ठीक करवाएं तो ज्यादा मजा है। तो जनाब ट्रांसमिशन का टाइम अपने अख्ताम की तरफ जा रहा है, दामन वक्त में मजीद गुंजाइश नहीं है, तो हम आपसे चाहने लगे हैं इजाजत। पाकिस्तानी टीम को दुआओं में जरूर याद रखिएगा। प्रिडिक्शन सबकी जाहिर है आज मैं इसलिए नहीं ले रहा, हाँ प्रिडिक्शन सबकी इसलिए मैं नहीं ले रहा क्योंकि सबका जाहिर आज यही होगा कि पाकिस्तान जीतेगा, आराम से जीतेगा। हम सबको यही लग रहा है कि आराम से पाकिस्तान आज खाता खोलने जा रहा है अपना T20 वर्ल्ड कप में। 2024 का ये वर्ल्ड कप है और जीत का जोश आपके साथ हम कर रहे हैं, यानी बहुत ही जबरदस्त।
जी ऐसा महसूस साहब, क्या लगता है कि पाकिस्तान आराम से जीत जाएगा? भाई जान वन साइडेड मारेंगे और ऐसा मारेंगे इंडिया डरेगा, पानी भी नहीं मिलेगा, मतलब यूएसए को यूएसए में पानी भी नहीं मिलेगा, ऐसा मारेंगे। नहीं नहीं, वो वोटर मिलेगा वोटर। ये तो वो वाली बात हो गई, पाकिस्तान को हमने अगर हरा दिया तो पाकिस्तान नहीं, इंडिया को अगर हमने हरा दिया तो पानी बंद कर देते। तो जनाब आज की हद तक इतना ही, आपसे मुलाकात होती है कल, बशर्ते सेहत और सलामती और जिंदगी जीत का जोश में। इतना ही, आपसे मुलाकात होती है कल। अल्लाह हामिद नासिर।